Hello students, today we are going to do the second part of the poem Lotus Eaters. Now here we have the choric song. So I told you in my previous session that those lotus eaters came and they gave each of those sailors, Ulysses and other fellow sailors, that plant of lotus, and eating that, after eating the fruit of that plant, they are all feeling so sleepy, so lethargic, and they don't have any desire to move forward towards their home. All of them had been returning after the war of Troy, and they have landed on the way on the island of Lotus. So because the effect of lotus plants is such that all of them are not left with any desire to move ahead towards their home. So here is the choric song. So the sailors, because they are all under the influence of that lotus plant, so all these sailors now sing together, and their song is expressive of their yearning for rest. They give arguments after arguments in favor of the life to rest and quiet. So ये group song है, choric का मतलब होता है group में गाना. तो सभी sailors का ये group में song है, जिसको Tennyson ने एक poem के form में लिखा है. तो अभी इसमें क्या है, सभी sailors इकट्ठा गा रहे हैं, और इस song से पता चलता है कि उनकी जो desire है सभी sailors की, लोटस प्लांट की वजह से उन सभी सेलर्स की इच्छा है कि बस वो अब रेस्ट करें. तो एक के बाद एक वो तर्क देते जा रहे हैं पूरी पोएम में, ये बताने के लिए कि उनकी लाइफ जो रेस्ट फुल पोजीशन में है वही बेस्ट, जो उनको सुकून मिल रहा है, जो उनको काम मिल रहा है, जो उनको शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, जो रेस्टफुल फीलिंग्स हैं वो उसी में. So now let's see the text. There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass. So these sailors are singing, है ना? So they say कि the music on this land of lotus is so sweet, so soft. That softer falls, the music is so sweet and it is so soft than the petals of from blown roses on the grass. This music on the lotus land is so sweet and so soft. It is more soft than the fully bloomed rose flowers petals falling on the grass. So what does it mean? कि वो ये कह रहे हैं कि भी यहाँ इस लैंड पे, इस आइलैंड पे एक बीना बीना सा, स्वीट सा, सॉफ्ट सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, और ये जो म्यूजिक है ये उससे भी ज्यादा स्वीट है. किससे ज्यादा स्वीट है? पूरी तरह से खिले हुए गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां जब ग्रास पे गिरती हैं, तो वो म्यूजिक जैसे स्वीट होता है, तो ये सॉफ्ट होता है, वो उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है. इस आइलैंड का जो म्यूजिक है वो बहुत स्वीट है और इतना सॉफ्ट है, ये उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है. किससे ज्यादा सॉफ्ट है? पेटल्स मतलब पंखुड़िया. किससे ज्यादा सॉफ्ट है? पूरी तरह से खिले हुए गुलाब के फूलों की पंखुड़िया जब ग्रास पे गिरती है तो उससे भी ज्यादा स्वीट है. और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर बिटवीन वॉल्स ऑफ शैडोई ग्रेनाइट इन ए ग्लीमिंग पास. ये म्यूजिक जो है ये और भी ज्यादा स्वीट है. किससे ज्यादा स्वीट है? ड्यूज से ज्यादा. नाइट ड्यूज मतलब रात के समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं. ओस की बूंदें किस पे गिरती है? On still water. Still water मतलब
स्टैंडिंग वाटर, वाटर जो है वो बिल्कुल शांत है, उसके ऊपर जब रात के समय ओस की बूंदें गिरती हैं, और वो वाटर कहाँ है? बिटवीन द वॉल्स ऑफ शैडोई ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज व्हाट? रॉक, है ना. ग्रेनाइट इज व्हाट? ग्रेनाइट पास कह रहा है. ग्रेनाइट मतलब द माउंटेन पास शाइन्स इन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीका एंड क्वार्ट्ज, है ना. सो द म्यूजिक इन द आइलैंड इज इवन मोर जेंटल, मोर स्वीट देन द सॉफ्ट साउंड मेड बाय द फॉलिंग ऑफ ड्यू एट नाइट ऑन सम स्टैंडिंग वाटर इन अ माउंटेन पास. स्टैंडिंग वाटर इन अ माउंटेन पास ग्लीमिंग इन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ मीका एंड क्वार्ट्ज. क्या बात है कि ग्रेनाइट की चट्टान है. चट्टान जो है वो उसमें ग्रेनाइट का पत्थर है जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स उस रॉक में कौन से हैं? मीका और क्वार्ट्ज के. तो जब रात के समय खड़े हुए पानी में, स्टिल वाटर में जो बूंदें गिरती हैं उसकी, वो जो गिरती हैं वो इतनी सॉफ्ट हैं, है ना, और ऐसे शाइन करती हैं वो मीका और क्वार्ट्ज जो पार्टिकल है माउंटेन रॉक के, उसमें वो और ज्यादा शाइन करती हुई दिखाई देती हैं. तो जो म्यूजिक है वो इतना सॉफ्ट है, इतना स्वीट है कि वो ड्यू ड्रॉप्स जब गिरती हैं स्टैंडिंग वाटर पे, स्टिल वाटर पे, तो वो भी सॉफ्ट और स्वीट लगती हैं. तो उसका कहने का मतलब है कि भाई आइलैंड का जो में जो म्यूजिक चल रहा है वो लेजीनेस वाला, वो लेथार्जी वाला, वो स्लीपीनेस वाला, वो उससे ज्यादा स्वीट है. म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आइलैंड्स आइलिड्स अपॉन टायर्ड आइज. तो म्यूजिक जो है, कौन सा म्यूजिक? उस लोटस लैंड का जो म्यूजिक है वो और भी ज्यादा जेंटिल है ना, और भी ज्यादा स्वीट है. इट इज मोर सूदिंग, है ना. स्पिरिट मतलब हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी रूह को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा स्वीट लगता है. दिस म्यूजिक इज मोर स्वीट, मोर सॉफ्ट as it reaches our soul. It gives us coziness, gives us comfort, and it gives more comfort, it is more soothing than the tired eyelids upon tired eyes. Eyelids, you understand na, कि हमारी जो ये पलके हैं, थकी हुई जो पलके जब हमारी थकी हुई आंखों के ऊपर पड़ती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. जब हम थक जाते हैं दिन भर काम करके या पढ़ के, है ना, तो वो थक जाती हैं जो आंखें, तो वो थकी हुई जो हमारी पलके हैं जब वो हमारी थकी हुई आंखों के ऊपर ऐसे हम बंद करते हैं तो पड़ती हैं, तो हमें वो बहुत स्वीट, बहुत जेंटल लगता है, बहुत कंफर्ट देता है. लेकिन इनका सेलर्स का कहना है कि जो म्यूजिक लोटस आइलैंड में है वो और भी ज्यादा स्वीट और सॉफ्ट. म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप. देखो टेनिसन इज ऑल द टाइम कॉन्शियस ऑफ गिविंग एडिंग म्यूजिक बिसाइड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड पिक्चर्स. खूबसूरत वर्ल्ड पिक्चर्स देने के अलावा टेनिसन इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा पेन्स टेकिंग रहते हैं कि उनकी जो लिखी हुई लाइन्स हैं उनमें एलिट्रेशन हो, जो पढ़ने में भी सीट लगे. जैसे देखो यहाँ पर यूज किया स्वीट स्लीप, सर दो बार रिपीट हुआ ना. वी आर नॉट टू सी द अल्फाबेट, वी आर टू सी द साउंड, सर स्वीट स्लीप. तो द म्यूजिक म्यूजिक दैट ब्रिंग स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज, है ना. ब्लिसफुल स्काई का मतलब द स्काई विच रेन्स द ब्लेसिंग ऑफ पीस. अब यहाँ पर ब्लिसफुल स्काई का मतलब क्या है कि स्काई विच गिव्स अस पीस, पीस ऑफ माइंड.
सीरिनिटी, ट्रैंक्विलिटी, है ना। तो जो आइलैंड का म्यूजिक है वो हमें क्या देता है, स्वीट स्लीप। वो स्वीट स्लीप बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट लोटस प्लांट, इट सीम्स दैट दैट ब्लिसफुल स्काई इज, इट सीम्स दैट द स्काई इज ब्लिसफुल। उस आइलैंड में उस लोटस प्लांट की वजह से, उस फ्रूट की वजह से एक एनवायरनमेंट इतना कोजी, इतना कंफर्टेबल, इतना सीरिनिटी वाला लगता है, इतना ट्रैंक्विलिटी वाला लगता है, इतना पीसफुल लगता है कि मन करता है बस नींद अच्छे से आ गई, है ना। तो स्वीट स्लीप जो हमें फील होती है, उन सेलर्स को जो फील होती है स्वीट सी स्लीप की, आंखें बंद करके बस लेटे रहो, तो वो ऐसा लगता है कि स्काई इज गिविंग ऑल दैट पीस। हेयर आर कूल मोजीज एंड थ्रू द हेयर आर कूल मोसिस डीप एंड थ्रू द मोसिस द आईवीज क्रीप एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव फ्लावर्स वी। हेयर आर कूल मोसिस, मोसिस समझते हो व्हाट इज दैट, मोसिस मतलब काई सी जैसे है, वहां पर बहुत थोड़ी बड़ी मोटी मोटी सी लेयर है किसकी, काई की, बिकॉज वहां पर क्या है, ग्रीनरी है, तो दैट मॉस सीम्स सो कूल, सो कोजी, है ना। एंड थ्रू द मॉस द आईवीज क्रीप, आईवी इज द नेम ऑफ अ क्रीपर, क्रीपर इज व्हाट, आप क्या बोलोगे, क्रीपर का मतलब बेल, आईवी क्रीपर्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में किस में, मॉस में, सारी जगह पे काई सी है, उस काई में बीच बीच में क्या है, वो बड़ी बड़ी आईवी प्लांट की बेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, वीप कहा इसने, लॉन्ग लीव्ड, देखो फिर से एलिट्रेशन आ गया ना, लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, लॉन्ग लीव्ड यू अंडरस्टैंड, लंबे लंबे पत्तों वाले जो फूल है वो रो रहे हैं। स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर फ्लोइंग देयर, उन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में क्या है, लंबे लंबे पत्तों वाले फ्लावर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। अभी पोएट ऐसा क्यों कह रहा है, रो रहे हैं, बिकॉज दैट लैंड ऑफ लोटस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मेलनकली, लेथार्जी, स्लीपीनेस, सैडनेस, क्योंकि वो वाला जो वो आइलैंड है वो किस चीज से प्रभावित है, वहां पर क्या चीज है, उदासी है, आलस है, सुस्ती है, गहरी नींद है, ऐसे लगता है कि व्यक्ति नशे में ही है और बस उसका मन करता है कि कुछ नहीं करना, बस लेटे रहो। तो उस सैडनेस को बताने के लिए पोएट यहां पर कह रहा है कि लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वी, द फ्लावर्स जो बड़े बड़े पत्तों वाले, लंबे लंबे पत्तों वाले जो फूल है वो ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं। एंड फ्रॉम द क्रैगी लेज द पोपी हैंग्स इन स्लीप, पोपी किसको कहते हैं, पोपी मतलब ओपियम के फूल, ओपियम, ओपियम क्या होता है, अफीम के फूल, पोपी तो प्लांट है, ठीक है। क्रैगी लेज मतलब वहां पर चट्टाने हैं, जैसे पत्थर हैं, तो उन चट्टानों के बीच में, उन क्रैगी लेज मतलब किसी तो किसी चट्टान के बीच में से, किसी साइड में से ऐसे क्या है, ओपियम के फूल, पोपी फ्लावर है जहां पर ओपियम के फूल जो है वो लटक रहे हैं। पोपी हैंग्स इन स्लीप, क्योंकि वो तो एटमोसफेयर ऑलरेडी लेजीनेस वाला है, मेलनकली वाला है, तो हम यहाँ पर पोएटिकली, पोएटिकली का मतलब होता है बात को सुंदर ढंग से कहना, है ना। तो पोएट अपने बात को पोएटिकली कहने के लिए आपको ये कह रहा है कि भी ओपियम हैंग्स इन स्लीप, कि वो फूल जो है, पोपी जो प्लांट है, वो भी सोया हुआ है, वो भी हैंग लटका हुआ है नींद के मारे, है ना। तो ये सिर्फ एक पोएटिक वे से बात कहने का ढंग है, अदरवाइज तो लिटरल सेंस में बात करें तो बात सिर्फ इतनी है कि भी ओपियम के फूल है वहां पे, है ना, कहां पे, उन चट्टानों के बीच में। सो नेक्स्ट लेट सी व्हाट द पोएट सेज इन द ऑल थिंग्स इन नेचर, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा ऑफ दैट कोरिंग सॉन्ग। सो हियर इन दिस स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, द पोएट सेज कि ऑल थिंग्स इन नेचर हैव रेस्ट
Why is it that man alone has to walk and is ever burdened with cares and worries? Man should also rest, for there is no joy but calm. वो कह रहा है कि प्रकृति में सब चीजें रेस्ट करती हैं, है ना? तो फिर एक मैन को ही क्यों मेहनत करनी पड़ती है? वही हर वक्त क्यों ओवरबर्डन रहता है? कभी चिंताएं हैं, कभी उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैन शुड आल्सो रेस्ट, आदमी को भी रेस्ट करना चाहिए। जब सारा कुछ सब चीजें प्रकृति में रेस्ट कर रही हैं, तो सिर्फ हम ही क्यों मेहनत करें? हम मैन क्यों मेहनत करें? आदमी क्यों मेहनत करे? आदमी को भी रेस्ट करना चाहिए। देयर इज नो जॉय बट काम। वो कहता है कि भी सबसे बड़ी खुशी क्या है? काम, शांति, सुकून। और इस आइलैंड पे क्या मिल रहा है? शांति है, सुकून है। देखो, तो व्हाई आर वी वेड अपॉन विद हैवीनेस, है ना? तो वो कहता है हम क्यों बर्डन रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हैवीनेस। हैवीनेस मतलब सोरोज, एंजाइटीज, केयर्स एंड वरीज ऑफ लाइफ। हम क्यों चिंता फिकर से परेशान हों? हम क्यों दुख चिंता के प्रेशर में रहें? Why are we weighed upon with our heaviness? हम क्यों परेशानियों में रहें? हम क्यों इस दबाव में रहें? कभी हमें कोई चिंता है, कभी हमें कोई दुख है, कभी हमारी कोई जिम्मेवारी है। And utterly consumed with sharp distress, क्यों हम अपनी लाइफ को दुखों को खा लेने दें? Why should we utterly मतलब बिल्कुल ऐसा क्यों हो कि हमारी पूरी लाइफ जो है वो दुख से ही निकल जाए, परेशानियों में ही निकल जाए? While all things else have rest from weariness, जबकि इस प्रकार नेचर में, नेचर का साइकिल ऐसा है कि सभी चीजें आराम करती हैं, किसी को कोई थकावट नहीं होती। weariness मतलब थकावट होना। तो all things in nature they have rest from weariness, सभी चीजें थकावट से बची हुई हैं, सभी चीजें रेस्ट करती हैं। all things have rest, why should we toil alone, सभी रेस्ट करते हैं, Why should we toil alone? Toil मतलब लेबर। तो फिर हम ही लेबर क्यों करें? जब सभी रेस्ट करते हैं तो हम ही लेबर क्यों करें? We only toil who are the first of things। सिर्फ हम ही मेहनत करते हैं जो हम दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट बीइंग्स हैं जिनको बनाया। वो we are the first of things का मतलब क्या है कि भी हम ही एक व्यक्ति हैं। We are the roof and crown of all created things. First in importance among God's creatures, we are the first of things का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर ने जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनाई उसमें हम ही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है we are the crown of everything, so why should we rest? हम मतलब क्या कहने का मतलब, we are the first of things, हम ही सबसे पहले बनाए गए, हम ही एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट, जो जितने भी क्रीचर्स दुनिया में बनाए गए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हम ही हैं जो सबसे पहले बनाए गए, है ना? तो यही बात है। मैन इज कॉल्ड द सुपीरियर मोस्ट एनिमल ऑफ गॉड एंड मेक मक परपेचुअल मोन, और हम ही जो क्राउन है इस पूरी दुनिया के और इस वर्ल्ड के, गॉड ने जो भी बनाया उसमें वो एक हम ही है जिसको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। एंड परपेचुअल का मतलब लगातार, एंड वी आर ऑल द टाइम मोर्निंग, मोर्निंग मतलब वीपिंग, वीपिंग का मतलब क्या हो गया, हम ही हर वक्त दुखी रहते हैं, चिंता फिकर में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्रस्ट रहते हैं। मेक परपेचुअल मून, वी आर ऑल द टाइम वीपिंग, वी आर ऑल द टाइम टेंस्ड विद वरीज, एंजाइटीज, प्रेशर, स्टिल फ्रॉम वन सोरो टू अनदर थ्रोन, ऑल द टाइम वी आर टॉस्ड फ्रॉम वन सोरो टू अनदर। सारी उम्र हम बस कभी एक परेशानी है, कभी दूसरी परेशानी है, एक से दूसरे की तरफ, सोरोज की तरफ ही हम फिकते चले जाते हैं, है ना? सो दैट इज व्हाट He says here in his lines, never nor ever fold our wings and cease from wanderings. यहाँ पर अब बर्ड के साथ कह रहा है ना, विंग्स तो वैसे बर्ड के होते हैं, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि हम जैसे पक्षी आराम करते हैं अपने पंखों को फोल्ड करके, तो हम क्यों नहीं रेस्ट कर पाते? Why have to do the wanderings? हमें इतने बड़े बड़े ओशन क्रॉस करके कभी इस कंट्री जाना है, कभी उस कंट्री जाना है वॉर के लिए, तो why don't we have rest? हम क्यों नहीं रेस्ट कर सकते? हम बर्ड्स की तरह से क्यों नहीं अपने विंग्स को, विंग्स मतलब अपने पंखों को मतलब अपने शरीर को, अपने अंगों को हम क्यों नहीं आराम दे सकते? सीज मतलब रोकना, हम क्यों इधर से उधर, उधर से इधर हम घूमते रहते हैं?
why have to do, why we have to do the wanderings? Nor steep our brows in slumber's holy balm. Balm का मतलब क्या होता है? मलम. Slumber मतलब नींद. Brows मतलब माथा, है ना? हम अपने माथे पे वो नींद की वो होली सी मरहम क्यों नहीं लगा सकते, है ना? हम नहीं लगाते, है ना? We don't have time, है ना? We have to work every day and night. No steep our brows in slumber's holy balm. हम क्यों नहीं है अपने फोरहेड पे वो नींद की होली मरहम को लगा पाते, है ना? मतलब कहने का मतलब है कि why don't we have rest? हम रेस्ट क्यों नहीं कर पाते? Nor hearken what the inner spirit sings. Hearken मतलब listen, सुनना. हम हमारे मन की अंदर की बात, हमारी आत्मा की बात को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुन पाते? हम क्यों नहीं सुन पाते हमारा मन, हमारी आत्मा हमको क्या कह रही है? There is no joy but काम. जिंदगी में कोई भी और खुशी नहीं है सिवाय काम के, सिवाय शांति के, सिवाय सुकून के, सिवाय रेस्ट के. Why should we only toil the roof and crown of things? Why should we only toil? हमें ही हर वक्त मेहनत क्यों करनी है, है ना? The roof and crown of things. Roof and crown मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि man is the noblest of God's creature. सबसे नोबल क्रीचर दुनिया में गॉड ने मैन को बनाया है, तो इसलिए मैन इज द रूफ एंड क्राउन. रूफ एंड क्राउन तो इसलिए वो कह रहा है कि वो रूफ एंड क्राउन है. मैन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड. व्हाई दे हैव टू वर्क एवरी टाइम. सो आई टोल्ड यू व्हेन वी स्टार्टेड दिस सेशन कि सेलर्स दे गिव आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट टू शो दैट दे हैव एवरी राइट टू टेक रेस्ट. दे डोंट वॉन्ट टू गो, है ना? एंड दे शुड नॉट मेक मोर एफर्ट. एक के बाद एक वो तर्क देते जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो हम इसी आइलैंड पे रहेंगे, यहीं रेस्ट करेंगे. सो लेट्स सी हाउ द पोएम मूव्स, हाउ द सॉन्ग कंटिन्यूस. सो इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज द लीफ द फ्लावर द फ्रूट ऑल ग्रो एट वन प्लेस टिल दे फॉल. कि सभी चीजें, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, सभी चीजें एक जगह पे ग्रो करती हैं और फिर वो गिर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. तो उस प्लांट को अपने लेवल पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना? अपने आप ही बीज बोया तो उसके बाद अपने आप ही वो सीडलिंग बना, फिर पत्ते आए, फिर फूल आए, फिर फल आए, फिर वो जब खत्म हो गया उसका टाइम पीरियड, मैच्योर हो गया फ्रूट, फिर वो नीचे गिर गया. तो एज सच प्लांट को कुछ नहीं करना पड़ा. तो वो कह रहा है कि कोई भी किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, प्लांट को, फूल को, पौधे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो सिर्फ उन्हें ही क्यों रेस्ट करना पड़ता है. सो इन द मिडल ऑफ द वुड, वुड किसको कहते हैं? फॉरेस्ट को, जंगल को, है ना? वुड का मतलब लकड़ी नहीं होता लिटरेचर में, वुड का मतलब फॉरेस्ट. तो कहता है कि फॉरेस्ट के मिडल में देखो, लो मतलब देखो, द फोल्डेड लीफ इज वुड फ्रॉम द वुड. Folded leaf is wood from out the bud. Folded leaf, leaf which is not yet fully opened. कि leaf folded है, वो bud की form में आ गया भाई, है ना? Leaf which is not yet fully opened is brought out from inside the bud, है ना? And made to bloom. Folded leaf की form में ही होती है bud. Bud क्या होती है? कली क्या होती है? फोल्ड हुए लीफ ही होते हैं, लीव्स ही होते हैं. तो फोल्डेड लीफ कम्स आउट ऑफ द बड विद विंड अपॉन द ब्रांच. और ब्रांच से उसको क्या मिलती है? ब्रांच पे आ गया, अब उसको विंड भी मिल रही है. एंड देयर ग्रोज ग्रीन एंड ब्रॉड. और वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वो ग्रीन भी हो जाता है, ब्रॉड मतलब बड़ा भी हो जाता है. एंड टेक्स नो केयर. टेक्स नो केयर मतलब उसको प्लांट को अपने आप से कोई केयर नहीं करनी पड़ती. सन स्टीप्ड एट नून. दोपहर के समय उसको सनलाइट मिल गई. इन द मून नाइटली ड्यू फैड
रात के समय उसको चंद्रमा की रोशनी मिल गई, ड्यू ड्रॉप्स मिल गई रात को, टर्निंग येलो, और फिर क्या हो गया, वो मैच्योर हो गया प्लांट और फिर वो येलो हो गया। येलो होने के बाद इट फॉल्स एंड फ्लॉट्स डाउन द एयर, है ना, वो नीचे गिर जाता है और फिर वो बह जाता है ना, गिर जाता है और फिर वो बह जाता है। डाउन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब डाउन मतलब डाउनवर्ड कि नीचे गिर जाता है फिर वो पौधे से। लो स्वीटेंड विद समर नाइट, ओके वी विल कवर ओनली दिस मच, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर पार्ट आई हैव कवर्ड ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। सो आई हैव कवर्ड जस्ट द थ्री स्टैंजास, सो एंड आई सो दैट यू मे इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड यू। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वी विल डू in the next session.